नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कद्दू का रायता बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए कद्दू, ये हमारा लाल वाला कद्दू है, ये हमारा हरा कद्दू नहीं है। इसको पहाड़ों में भी ये डिश बहुत बनाई जाती है और ये आसान भी बहुत है और इसको हम व्रत में भी खा सकते हैं। ये देखिए ये हमारी ये है कद्दू का छिलका, हमको नहीं निकालना है इसको। हमने ऐसे ही इसको पहले मोटा मोटा काट लेना है, ऐसे देखिए ऐसे हम टुकड़े कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने इसको काट लिया है। अब इसको क्या करेंगे, हम एक कुकर लेंगे, कुकर में इन पीसों को हम डाल देंगे। ये रायता बहुत ही टेस्टी बनता है और इसको अपने को बिल्कुल अलग तरीके से बना रहे हैं। इसको व्रत में खाइए, बहुत ही बढ़िया होगा। देखिए इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे पानी, एक गिलास के लिए इसमें पानी डाल दिया है। इसमें हम दो तीन विसल लगा लेंगे। ये देखिए ये मैंने कुकर से निकाल दिए हैं। देखिए इसको हम क्या करना है, इसमें हम जैसे ये छिलके हैं बड़े आराम से ये छिलके निकल जाते हैं, इस तरीके से हमको छिलकों को निकाल लेना है। ये देखिए बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, ये इस तरीके से हम छिलकों को निकाल देंगे सभी में से। ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे इनके छिलके निकाल लिए। देखिए कितना सॉफ्ट सा ही बन गया है। अब इसको क्या करेंगे, हम मैश करेंगे और इसमें बता दें हम क्या क्या डालेंगे। देखिए इसमें हम पहले थोड़ा सा इसमें डाल दिया हमने ये चाट मसाला। अगर आप ना खाते हो व्रत में तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने डाला थोड़ी सी लाल मिर्च, दालचीनी मैंने कम उपयोग की है क्योंकि मैं इसमें हरी मिर्च यूज़ कर रही हूँ। मैंने दो हरी मिर्च काट ली हैं। स्वाद अनुसार मैंने इसमें डाल दिया सेंधा नमक और इसको अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें हमारी कोई भी गांठें तो इसमें रहेंगी ही नहीं क्योंकि हमने बॉईल कर लिया है ये। और ये बहुत ही टेस्टी रायता बनता है खाने में। ये देखिए हमने अच्छे से मैश कर लिया है और हमने ले लिया एक कटोरी दही, इसको हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। इसको अच्छे से हम इसको मिला लेंगे। आपको जितना गाढ़ा खाना हो, जितना पतला यूज़ करना हो, इसमें आप दही की मात्रा बढ़ा सकते हैं। मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको मिला लिया है। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बनाया है। अगर आपको उसको थोड़ा पतला यूज़ करना हो तो इसमें दही और मिला सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया और इसको भी हम मिला लेते हैं। इसको आप व्रत में यूज़ कीजिएगा, खाइएगा। ये हमारे शरीर को पौष्टिकता से भरपूर है क्योंकि इसमें दही है। कद्दू में भी अच्छे विटामिन और प्रोटीन्स मिलते हैं और दही में भी होता है, तो हमारे शरीर में कमियों को पूरा करता है।